सच्चो सतराम, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। अभी ये हमें होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। जैसा हम बच्चों को बनाना देखा है, जो हम उनको देंगे वो ही लेंगे। और लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, जब भी बच्चा आता है तो बड़ों का जीवन पूरा होना शुरू हो जाता है। ये हमें चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे ही बच्चा आया, बड़ों का जीवन नहीं रहता। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, बड़ों का जीवन खुद ब खुद कम होता जाएगा। हम देखते हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक हम आजाद हैं। जब शादी होती है तब घर का कुछ ख्याल होता है। घर का ख्याल नहीं करते लेकिन कुछ ख्याल होता है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में आता है, बाहर नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी होती है, तभी से हमारी जिंदगी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जहां पर भी जैसे भी होंगे, लेकिन ख्याल बच्चे में होगा कि उसकी ग्रोथ में उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ये ना हो रहे पार्टी वगैरह सब जो कम होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। और जब बच्चा पैदा हुआ तभी तो ख्याल हमेशा घर पे रहता है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, हमारे जीवन की सोच, अंदाज, तौर तरीके सब कुछ घर और बच्चे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जब हम दादा दादी बनते हैं फिर तो शायद अपना जीवन होता ही नहीं। हाँ, रखने के लिए जरूर जेब में पैसे रखते हैं, लेकिन दादा दादी के बनने के बाद आज तक कितने पैसे अपने ऊपर खर्चे हैं? जो भी खाना लेते हैं वो भी उनको खिलाते हैं, जो भी सोच होती है उनका, दादा नाना नानी जब भी बने फिर अपना जीवन रहता ही नहीं। तो इसलिए बच्चों के साथ हम चाहे या न चाहे, ये खुद ब खुद एक प्रोसेस है, हो जाता है, खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। तो जब हम बच्चों के साथ अपना जीवन दे ही रहे हैं तो उनको ऐसा बनाए तो सही, जब वो बच्चे बड़े हों तो हमारा जीवन तो बने, हमारे इज्जत शान मान तो बने, हमारा नाम तो रोशन करे, हमें कुछ देखे तो सही। अगर हम उनको देखेंगे तो वो आचरण है, जो हमारा आचरण होगा वो ही बच्चों का आचरण होगा, जो हम होंगे वो ही बच्चे होंगे। लेकिन हमें घर को एक आदिन बन के रहना है। इसीलिए हम हमेशा अपने घर मंदिर बनना चाहते हैं, कभी मंदिर को अपना घर नहीं बनाना चाहते। घर कभी भी मंदिर नहीं, मंदिर कभी भी घर नहीं होना चाहिए, लेकिन घर हमेशा मंदिर होना चाहिए। और मंदिर का मकसद है जब प्यार हो, मोहब्बत हो, बेहतरी हो, अच्छाई हो, जहां पर संस्कार हो, जहां पर संस्कृति हो। क्योंकि बच्चे से हम इतना प्यार करते हैं कि अगर बच्चे अच्छे हुए तो ठीक है, वरना मालिक रहमत करे अगर बच्चों का एक कदम भी कभी कोई गलत तरफ चला तो फिर हमारे ऊपर क्या गुजरती है हम सोच सकते हैं। कोई बच्चा गलत राह पे चले भी नहीं, सिर्फ कोई हमें बताए कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा था तो पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। और कोई हमारा बच्चा कुछ करे भी ना, कोई हमें अपनी तारीफ सुना ले कि आपका बच्चा इतना कुछ अच्छा कर रहा था, तो हमारा चेहरा खिल उठता है, इतना एक आनंद सा महसूस होता है। इसलिए हम घर को हमेशा मंदिर बना के रखे, मंदिर बना के रखे, प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना के रखे, जहां पर हम एक दूसरे के साथ रहें, साथ में बैठे, साथ चले,
अगर साथ रहे तो फिर कभी दुख दुख बन के आता ही नहीं, वो सुख बन के आता है। और अगर प्यार से ना रहे तो कभी सुख कितना भी आए लेकिन हम उसे सुखी नहीं रह पाते।